जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार आप सभी का रीजनिंग की इस शानदार क्लास में स्वागत है। सो हमने मिसिंग नंबर जो है वो स्टार्ट की थी, उसके अभी तक आपकी दो क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आप सभी ने उनको एक प्रॉपर वे में समझा है, साथ में आपने नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। सो हमारा आज जो है वो रीजनिंग का मिसिंग नंबर में थर्ड पार्ट हमारा रहेगा इस पेड क्लास में। ये आज की जो हमारी थर्ड क्लास है, इसमें सबसे पहले हमारा जो एक पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उसको हम कवर करेंगे। ये हमारा मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपका एक अल्फ़ाबेट की फॉर्म में दिया गया था। थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि रीजनिंग में जो है वो आपकी एक्यूरेसी जो है वो लगभग हर किसी स्टूडेंट्स की जो है वो 90 से 100% तक जाती है, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी स्पीड के ऊपर। यानी कि अगर आप कोई भी नंबर दे रहे हैं, तो अगर आप हिमाचल का एग्ज़ाम सॉरी आप अगर हिमाचल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेंटर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो रीजनिंग जो है जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं वो आपके बिल्कुल बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। यानी कि आपके जैसे कि 10th क्लास में क्या होता था कि जो ड्राइंग या फिर कंप्यूटर साइंस है वो आपके मार्क्स को क्या करती थी, ग्रेड करती थी, अप करती थी, तो वैसे ही आपकी रीजनिंग जो है वो आपके पेपर के लिए क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो है वो फ्री के नंबर है, मतलब इसमें अगर जिस स्टूडेंट को प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस समझ में आ गई तो वो पर्सन जो है वो इस सीरीज को, इस पैटर्न को, डिफरेंट जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं इस रीजनिंग को सॉल्व करने के, वो उनको कभी नहीं भूलेगा। सो प्रैक्टिस करते रहें तभी आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमने ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आई होप आपने ये कवर कर लिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर करवाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले एक पैटर्न की फॉर्म में क्या हमारे पास ये बन रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल का मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप नंबर की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ में अल्फाबेट की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ए के नीचे दिया गया है 2 और सी के नीचे दिया गया है 4, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 9, 5 और 9 कितने, 14, तो ये भी एक सीक्वेंस बन गई। वैसे 3 और 5, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, मैं एक अननोन नंबर ले रहा हूँ x, उसके नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखिए ऑप्शन सी जो है सिर्फ उसी के नीचे क्या है, 8 है। उसके बाद अगर इसको नंबर की फॉर्म से अगर सॉल्व नहीं करना है तो हम इसको किस वे में सॉल्व करेंगे, वो भी आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि ए के आगे अगर मैं 2 जाता हूँ तो क्या आता है, सी आता है। सी के आगे जब मैं 2 जाऊँगा तो क्या आएगा, ई आएगा। यानी कि मैंने एक एक अक्षर छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, ए बी सी, फिर आ जाएगा डी और ई, यानी कि एक एक मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वैसे जी से आप आगे जाइए, जी एच आई और जे के आगे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, एक छोड़ दिया। वैसे एम एन छोड़ दिया, ओ ले लिया, पी छोड़ दिया, क्यू ले लिया। तो यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग क्या आ गया मेरा, नीचे 8, और ऊपर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आ गया के। लेकिन जब आप अल्फ़ाबेट की फॉर्म में करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है वो 2 नंबर जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि आपका आंसर आया के, तो फिर आपको चेक करना है K15 आंसर है या फिर K8 आंसर है। लेकिन जब आप इसको एक नंबर की फॉर्म से हिट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 8 आएगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा फास्टली आप इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 65, 77, 87, आप इसको रो की फॉर्म में या फिर कॉलम की फॉर्म में भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको जो है वो एक किस सीक्वेंस में सॉल्व करूंगा, ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब जो भी आपका दिमाग काम करता है वही तरीका आपको यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए, जब मैं 65 में से 21 को कम कर देता हूँ तो क्या बनता है, 44 बनता है। 87 में से 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गए 6, तो इन दोनों को माइनस करने से क्या बन रहा है, 66 बन रहा है। तो यहाँ पर मैं 77 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास आंसर क्या आए, 55 आए। तो देखने से पता चल रहा है 22 में जब मैं कम करूंगा ऑप्शन सी,
तो मेरे पास क्या बचेगा, 55 बचेगा। या फिर दूसरा आप इसमें क्या मेथड यूज कर सकते हैं, वो भी सेम है, इस 66 को 21 से ऐड कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 87। 44 और प्लस 21 कितने होते हैं, 65। वैसे ही 55 में मैं कितना ऐड करूं, 22 ऐड करूं कि आंसर कितना बन जाए, 77। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो है वो एक तो तीन चार पांच कॉलम दिए गए हैं और चार जो है वो आपके पास रो दी गई हैं। थोड़ा सा सॉरी, क्वेश्चन जो है आपका इजी है, देखने से पता चल रहा है कि जो हमारे पास है। जो हमारे पास लास्ट में नंबर दिए गए हैं उन्हीं में से जो है वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की सीरीज जो है वो काफी छोटी है और एंडिंग की जो सीरीज है वो हमारे पास फर्स्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ी है। तो थोड़ा सा सॉल्व करें क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसको करवाता हूं। तो देखिए आप यहां पर क्या पैटर्न यूज कर सकते हैं, आपके पास जो पहली रो दी गई है, जो फर्स्ट रो है आपके पास, उसमें देखिए जो आपके पास नंबर हैं, नंबर कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले है 4, 3, 2 और 8। तो आपको कहीं ना कहीं से गुणा करके या प्लस करके आपको 32 तक जाना है, क्योंकि लास्ट में जो नंबर है वही आपका नंबर काफी बड़ा है, तो इसका मतलब 32 ही इस सीरीज से आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना है एक क्रिएटिव वे में। देखिए अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ, 8 और 2 10, 4 14 और 3 कितने, 17, तो 17 का डबल तो 34 होता है, तो बात तो नहीं बन रही है। या फिर ऐसा कर सकते हैं 34 में से 2 कम कर दिए, या फिर जो थर्ड हमारा नंबर है उसको कम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 32। या फिर जो हमारे पास अगर नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 10, 5 15, 15 और 3 फिर से कितने, 18, तो 18 का डबल तो फिर हमारे पास यहाँ पर बनेगा नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा, क्योंकि 18 का डबल तो कितना होगा, 36 होगा, तो 36 को तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर 36 को तो अप्लाई नहीं कर सकता। अब देखिए मैं यहाँ पर पैटर्न क्या यूज़ करूँगा, देखिए मैंने क्या किया, मैं 4, 3 और 2 को क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, ठीक है जी। 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 24, और इस 8 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो 24 और प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। अगर अगला भी हमारा ये पैटर्न काम कर रहा है तो एक बार चेक करते हैं, 5 और 3 कितने, 8, 8 और 1 कितने, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 और 15 1 कितने, 15, ठीक है, 15 और 9 कितने, 9 और 5 कितने, 14, और ये आ जाएगी 24, ठीक है जी, बात तो बन रही है। तो वैसे लास्ट में अप्लाई करके देखेंगे, 9 को 2 से किया 18, उसके बाद 18 को 4 से किया 18 चौके 72, और 72 मैं 12 ऐड कर दिए कितना आ जाएगा, 84। तो 84, हाँ ऑप्शन में है
इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, बिल्कुल इजी सा आपके लिए क्वेश्चन है ये। 7, 3, 4 फिर 5, 6 और क्वेश्चन मार्क, रो या कॉलम की फॉर्म में कुछ भी आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो लास्ट वाला हमारे पास एक पोर्शन है, ये लास्ट वाला डिब्बा जो है इसमें क्या है, इसमें नंबर जो है वो बड़े हैं, इसका मतलब पैटर्न हमारा नीचे की तरफ ही अप्लाई होगा। तो जल्दी से आप पैटर्न लगाइए, 7, 5 और 2 को आप किस तरह 33 में बदल सकते हैं, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है। 7, 7 पंजे कितने, 35, 35 में से ये 2 कम कर दीजिए, 33 आ गया। वैसे ही 6 को 3 से किया कितना, 18, 18 में से 8 कम कर दिए, 10 बन गया। तो वैसे ही 4 को मैं किससे गुणा करूं, 4 को मैं किससे गुणा करूं कि -3 करने से मेरे पास कितना बने, 30 बने, यानी कि सॉरी 33 बने। तो अगर मैं 3 कम करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 36 आएगा, तभी 3 कम करके कितना आएगा, 33 आएगा। तो मेरे को 36 बनाना है, तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू भरूं, 9 मेरे को भरना पड़ेगा, क्योंकि 9 चौके कितने, 36। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से अगला क्वेश्चन आप कीजिए, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। यहां पर भी आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास लास्ट वाली रो है ये 20, 23 और 43 वाली, यहीं से हमारे पास क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो यहीं से आप ट्राई करें, ये 20 कैसे बनेगा आपके पास, 21 में से 2 आप कम कर दीजिए या कुछ, 21 में से 2 कम करते हैं तो कितना आएगा, 19 आएगा, 19 में 1 ऐड कर देते हैं ये लास्ट वाला, तो 20 बन गया। अगले को भी अप्लाई करेंगे, 22 में से 1 कम कर दिया कितना आएगा, 21, 21 में 2 ऐड कर दिए कितना आएगा, 23। ठीक है जी, तो बात तो बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू भरूँ कि मैं 2 कम करूँ, x में से 2 कम करूँ और मैं 5 ऐड करूँ ताकि मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 43 आ जाए। तो देखने से ही पता चल रहा है, मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू अगर लेता हूँ, मान के चलते हैं मैं यहाँ पर लेता हूँ 40, तो 40 ऑप्शन ए को आप एक बार लेके देखिए, 40 में से 2 चले गए कितने, 38, 38 और 5 कितने, 43। आप इसको एक बोर्ड मास की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाएगा, तो 40 जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, 8, 3, 21, 6, 5, 25 और 12, 2 का आपको आंसर निकालना है। तो फिर से देखने से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि जो लास्ट नंबर है वो बड़ा है, तो कोई ना कोई पैटर्न जो है वो यहीं से बनेगा। तो 8 तिया कितने, 8 तिया 24 और 24 में से अगर मैं इस नंबर को कम कर देता हूँ, मिडल वाले को, 24 में से 3 कम कर दिए तो आंसर आ गया 21। उसके बाद ऐसे ही करूँगा, 6 पंजे 30 गुणा कर दिया, 30 में से ये मिडल वाला नंबर 5 चले गए तो कितने बचे, 25 बचे। अगले को भी ट्राई करके देखता हूँ, 20 को 2 से गुणा किया कितना, 24, 24 में से 2 चले गए तो आंसर कितना आएगा, 22। आई थिंक ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी 22 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए, 4, 10, 6 फिर 12, 96, 48, 16, 152 और क्वेश्चन मार्क। तो मिडल वाली वैल्यू जो है वो काफी बड़ी है एज कंपेयर टू अदर नंबर, तो थोड़ा सा आप हिट एंड ट्रायल का मेथड आप यूज कर सकते हैं। देखिए पहली में तो आपका पैटर्न बन रहा है कि 6 और 4 को ऐड किया तो कितना बन गया, 10 बन गया, लेकिन 12 और 48 को ऐड करने पे 96 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब प्लस का पैटर्न तो लगेगा नहीं, कोई और पैटर्न आप अप्लाई करके देखिए। अब गुणा का पैटर्न जो है वो सेकंड वाले में तो लग जाएगा, 12 को 4 से गुणा करूंगा तो 48, लेकिन 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 6 तो नहीं आएगा, कोई और पैटर्न हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए पैटर्न क्या लगेगा, ये जो 4 है इसका आप स्क्वेयर कर दीजिए, 4 का स्क्वेयर कितना, 16, 16 में से इस लास्ट नंबर को कम कीजिए तो आंसर जो है वो आपके पास मिडल वाला नंबर आ जाएगा। वैसे ही 12 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वेयर होता है 144, 144 में से 48 कम किए, लास्ट वाली वैल्यू नंबर कम किया तो रिजल्ट कितना आ गया, 96 आंसर आ गया। वैसे ही 16 का स्क्वेयर कीजिए, 16 का स्क्वेयर किया कितना होता है, 16 का स्क्वेयर 256, 256 में से 152 कम कर दीजिए तो 2 में से 6 में से 2 गए 4, 5 से 5 गए 0, 104, यस ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
ये अल्फाबेट की फॉर्म में एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये जो आपकी सीरीज है ये अपोजिट ऑर्डर वाली सीरीज जो है वो चलेगी। मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम तक आपको लिखना है, क्योंकि ये जो हमारी रीजनिंग के जो भी हमारे टॉपिक रहते हैं वो लगभग आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है वो कहीं ना कहीं पे किसी दूसरे चैप्टर में भी यूज़ हो जाएगा, सीरीज़ का पार्ट है वो किसी अनदर टॉपिक में यूज़ हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे ये हमारे पास जो है वो नंबर जो सीरीज हमारे पास ये चली है मिसिंग नंबर की, तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं हम कोडिंग डिकोडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी सी डी ई को एम तक जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एन को नीचे से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से ये लिखा मैंने एन ओ पी, फिर आ गया क्यू, ये आ गया आर एस टी यू वी, फिर आ गया डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखिए देखने से ही हमारे पास क्या यहाँ पर पता लग रहा है कि ए को क्या लिखा गया है, ए को जेड लिखा गया, यानी कि ए के सामने जेड आता है इसलिए ये नंबर आ गया। उसके बाद बी बाय सी एक्स, बी के सामने बाय सी के सामने एक्स, तो ये चीज़ तो होगी। वैसे ही डी डब्ल्यू ई वी एफ यू ऐसे आप चला सकते हैं। वैसे ही जी टी यहाँ पे क्या किया, डी डब्ल्यू ई वी एफ यू नंबर चल पड़ा। उसके बाद है जी टी, अब जी टी तो हो गया, उसके बाद लास्ट में दिए गए आई आर, आई आर भी हो गया, तो बचा क्या एच एस बचा, हमारे पास क्या बचा एच एस, इसलिए ऑप्शन है बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट वे में जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपके पास है। एक नई शेप की फॉर्म में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ट्राइंगल की फॉर्म में है ये, तो आप इसको ट्राई करें, क्योंकि मिडिल वाला नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये दो एक और तीन से आप किस तरह आंसर जो है वो 14 निकालेंगे, दो ये एक और तीन, अगर मैं ऐड करता हूँ दो और तीन कितने पाँच और एक छः, छः और छः कितने बारह, बारह में दो ऐड किए 14, लेकिन अगले में ये सेम सीक्वेंस नहीं बन पाएगी शायद, चार और तीन सात और एक आठ, आठ और आठ कितने 16, नहीं 26 तो बनेगा नहीं, कोई और पैटर्न हमें अप्लाई करना पड़ेगा। आप इनका क्या कीजिए, स्क्वेयर कर दीजिए, तीन का स्क्वेयर 9, एक का स्क्वेयर 1, दो का स्क्वेयर 4, 9 और 1 10 और 4 कितने 14, बात बन गई। चार का स्क्वेयर कितना 16, एक का स्क्वेयर 1, तीन का स्क्वेयर 9, 9 और 1 10, 10 और 16 कितने 26, तो वैसे इसको आप अप्लाई कीजिए। पाँच का स्क्वेयर 25, एक का स्क्वेयर 1, दो का स्क्वेयर 4, 4 और 1 5, 5 और 25 कितने 30, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर से एक नई सीक्वेंस की फॉर्म में मैंने यहां पर दिया है ये, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर जो पैटर्न हम अप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 42 की फॉर्म में, बड़ा नंबर है यही हमारे पास आना चाहिए कहीं ना कहीं से, तो 14 और 24 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 24 और 14 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 38 आएगा, 38 में 4 ऐड करूँगा तब 42 आएगा। अब 64 और 12 को भी ऐसे कर लेता हूँ, 64 और 12 को किया 4 और आ गया 7, तो 4 ऐड करूँगा तो 96 तो बनेगा नहीं, तो फिर कोई और पैटर्न हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा इसको देखिए, मैंने क्या किया कि मेरे को यहाँ पर 42 अगर लेके आना है तो माइनस का पैटर्न भी यहाँ पर नहीं लगेगा, कोई और पैटर्न आप अप्लाई करके देखिए। देखिए 42 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 और गुणा 7 करके आता है। हाँ जी ठीक है, पैटर्न हमारे पास मिल गया है। मैं क्या करूँगा, इस पहली वैल्यू को 2 से डिवाइड करूँगा, 14 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 7, अगली वैल्यू को 4 से डिवाइड करूँगा कितना आ गया, 4 से 24 कट जाएगा 6,
सात को छह से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 42। अब यही पैटर्न हमारा जो है वो अगले में भी लगना चाहिए। तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, दो से भाग किया, कितना आ गया 32। दो पहले दो से करना है, उसके बाद चार से करना है, पैटर्न सेम रहना चाहिए। चार से किया तो कितना आ गया 3, 32 को 3 से करूंगा 96 आंसर आ गया। ठीक है जी, बात तो बन रही है। फिर अगले में 32 को 2 से किया, कितना आ गया 16, और 18 को 4 से करूंगा तो 18 को 4 से करने पे तो वैल्यू प्रॉपर नहीं कटेगी, पर कोई नहीं, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। 18 को 4 से किया, 4 से 4 16, 18 को 4 से करूंगा तो 18 चौके 72। जी हाँ, ऑप्शन दिया गया है इसलिए क्या होगा 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि प्रॉपर कटिंग ना हो, फिर भी आपको वो पैटर्न जो है वो यहाँ पर फॉलो जो है वो करना है। तो ये हमारा जो है वो एक पेड क्लासेस में जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो है वो हमारा ये चला है। आई होप आप इस टॉपिक को जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है, थोड़ा सा आप जो है वो हमें YouTube के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो जितनी भी हमारी पेड क्लासेस चली हैं, जितनी भी हमारी ये पेड क्लासेस जो हैं वो चली हैं, उनके लिए जो है वो आप एनरोल कर सकते हैं। जो भी हमारी ये पेड क्लासेस चली हैं उनके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए कि इस तरीके से जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाती है एक मिनिमम अमाउंट में, तो आपकी आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें जो है वो कोई कमी ना आए। तो उस तरीके से थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, स्पीड आप थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, तभी आपका पेपर जो है वो निकलेगा। क्योंकि अब धीरे धीरे ऑनलाइन हमारे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, कुछ हमारे ऑनलाइन हो गए हैं सेंटर के एग्ज़ाम, और कुछ जो है वो हिमाचल के एग्ज़ाम जो है वो अभी शायद आने वाले टाइम में जो है वो ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे। आपको पता है आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम जो है वो अभी पहले रिटन में होता था, अब जो है वो कंप्यूटराइज CBT की फॉर्म में हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, तो थोड़ा सा स्पीड के ऊपर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए। अभी बिल्कुल क्वेश्चन की भरमार जो है वो आज हम लेके आए हैं, क्लास को ऐसे नहीं जाने देंगे, आज मिसिंग नंबर को पूरा A to Z जो है वो कवर करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या हो सकता है, बिल्कुल इजी फिनोमिना है। 12 को क्या करूंगा मैं 5 से गुणा करूंगा, 12 पंजे 60, 15 को 4 से गुणा करूंगा, 15 चौके 60, यानी कि आपस में गुणा करना है। 14 को 3 से किया 42, 7 को 6 से करूंगा 42, बात बन रही है। तो यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर में करना है, 26 को 3 से गुणा करना है और 13 को 6 से गुणा करना है। तो 13 को जब मैं किससे गुणा करूंगा, 6 से गुणा करूंगा, 13 छिके 78, यानी कि 78 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको वैल्यू बतानी है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पजल आपको नहीं होना है, पजल इसलिए नहीं होना है क्योंकि कई बार आपको जो है क्वेश्चन एक इस तरीके से दिए जाते हैं कि कई बार हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन है किस चीज़ का। तो देखिए, इस ये जो 2 सेंटीमीटर दिया गया है इसका इस क्वेश्चन में कोई भी रोल नहीं है। मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में इसको अप एंड डाउन की फॉर्म में चलाऊँगा। 157 में से 7 चले गए, कितना आंसर आ गया 150, 150 में से 9 चले गए, कितना आंसर आ गया 141, 141 में से 18 चले गए 123 आ गया, 123 में से 36 चले गए 87 आंसर आ गया, 87 में से 72 चले गए तो आंसर कितना आ जाएगा आपके, कीजिए 87 में से 72 को कम कर लीजिए, 7 में से 2 गए कितने 5, और 8 में से 11 कितना 15। तो ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल शानदार क्लास है और आज की क्लास जो है वो सबसे अलग रहने वाली है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर आप फोकस कीजिए, किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। देखने से क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है, यानी कि 3 का क्यूब 27,
चार को 3 बार गुणा करूंगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब 512। तो यानी कि क्यूब की फॉर्मेशन दी गई है आपके, स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट, ये फिनोमिने आपके हर बार क्वेश्चन में जो है वो हिट होते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये तो एक सीरीज का ही एक पैटर्न है, देखने से ही पता चल रहा है। 7 का डबल किया 14, 14 में ऐड किया 1 15, 15 का डबल 15 15 कितने 30, 30 और 1 31, 31 31 62, 62 और 1 63, फिर 63 और 63 126, 126 और 1 127। अब 127, 127 कितने 254, 254 में 1 ऐड किया 255, यानी कि ऑप्शन बी 255, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है 13, 17 और 221, यानी कि 13 और 17 को कहीं ना कहीं से 221 बनाना है। तो एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, शायद बन जाए, शायद की बात, अगर नहीं बना तो फिर स्क्वायर या क्यूब में से कोई प्लस माइनस करके कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो 17 को 7 21, 2 पर जाएगा, 7 और 2 कितने 9। एक बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करना आप सीखिए, जो ये पैटर्न है इसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तसल्ली इसी पैटर्न से होती है। आप कितना भी स्क्वायर क्यूब क्यों ना सीख लें, आप एक ट्रिक क्यों ना सीख लें कि 94 का स्क्वायर कितना होगा, 96 का स्क्वायर कितना होगा, लेकिन असली जो तसल्ली है वो इसी पैटर्न से होती है जब आप इसको इस वे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में आपकी कोई भी। तो ये आ जाएगा 13, ये आ गया 1, 9 और 3 2 और ये आ गया 221। जी हाँ, तो 17 और 13 को गुणा करने पे 221, तो 12 19 को गुणा करेंगे 228। तो 13 और 18 को आपके कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 गुणा 18 234 होते हैं, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि 8 को 3 से जब मैं गुणा करूंगा 8 24, यानी कि लास्ट नंबर 4 आना चाहिए, तो लास्ट नंबर 4 सिर्फ कहां पर है, 234 में है। तो ये हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पूरा सॉल्व नहीं करना आपको, एक हिंट मिल गया तो आंसर वही होगा। अगर यहाँ पे 234 होता और यहाँ पर 314 होता तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक इसके पीछे वाला डिजिट जो है वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता, लेकिन एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 को बोला गया है 144, तो कैसे हम 144 इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर का फॉर्म हो सकता है शायद, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, नहीं 144 तो नहीं बनेगा। 4 को 3 से अगर मैं गुणा कर देता हूँ, 4 3 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, जी हाँ बात तो बन रही है। 11 को 9 से करूँगा 99, 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801 होता है, जी हाँ। 15 को 6 से गुणा करूँगा, 15 6 90, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको पैटर्न देखना है किस तरीके से आप जुगाड़ लगा के उस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल है, यानी कि दिमाग क्या सोच रहा है, यहाँ पे पैटर्न आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैथ में क्वेश्चन होता है ना प्रॉफिट लॉस का या फिर सिंपल इंटरेस्ट का, कि अगर SI नहीं दिया है तो पहले SI निकालो, अगर प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल निकालो, रेट टाइम पूरा हमें आपको फॉर्मूले में भरना है तभी आंसर निकलेगा। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है, रीजनिंग में जो भी आपका दिमाग जिस तरीके से सोच रहा है बस आप वही चीज अप्लाई करके देखिए। इसमें कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि अगर इस क्वेश्चन में मैं अगर पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर प्लस कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है अगले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो एक सीक्वेंस जो है वो आपके पास दी गई है, मल्टीप्लाई कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए इसको। मैं क्या करूँगा, 1 को 1 से गुणा करूँगा 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया 24, तो एक सीक्वेंस मिल गई 1 2 3 4, अगला किससे आएगा 5 से आएगा, 24 को 5 से किया 120,
120 को मैंने क्या किया, 6 से किया, 12 छिके 72, और अब किससे करना है, 7 से करना है। तो 720 को 7 से आप गुणा कर दीजिए, 0, 7 को 2 से किया 14, 1 7 से 49 और 1 50, 50 और 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, तो इसलिए ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करें, पैटर्न आप सीखें किस तरीके का पैटर्न जो है वो हमारे पास ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का ये, और शानदार सेशन जो है वो हमारा ये रहा, काफ़ी लंबा सेशन जो है वो आज हमने इसका किया है, मिसिंग नंबर का पूरे चैप्टर को आज हम कवर कर रहे हैं। सो जो भी बेसिक मेथड थे मिसिंग नंबर के वो हमने कवर किए, इसके बाद भी आपको इसके एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ज़रूरी नहीं है ये हमारा टॉपिक कवर हुआ है। नए पैटर्न प्रीवियस ईयर के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं या हमारे जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो भी हम आपको एक इसका कंडक्ट करवाएंगे, और डिफरेंट क्लासेस आपको इसी टॉपिक की और एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिलती रहेंगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न की फॉर्म में क्या हम मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं से 27 जो है वो आंसर लेके आना है, क्योंकि लगभग मिडल वाला नंबर जो है ऐसे क्वेश्चंस में जो है वही आपका आंसर रहता है। तो आपके कीजिए इन सभी को ऐड कर दीजिए, 25, 45, 35 और 30 सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, आंसर आएगा 27। ठीक है जी, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। 60, 20, 40 और 30 मैंने क्या किया, 60, 20, 40 और 30, 60 और 40 120 और 30 कितने, 150, 150 को 5 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाएगा, 30 तो बन गया। वैसे इसको आप अप्लाई कीजिए 25, 40, 35 और 65 क्या इसका राइट आंसर रहेगा, करके देखते हैं। 65, 35, 40 और 25 ये आगे कितने, 15, एक ऊपर जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13, 13 और 2, 15 और एक जस्ट अ सेकेंड, ये हमने क्या किया, इसको ऐड किया, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15 और 1, 16, 165 आ गया। अब 165 को क्या करना है, हमने 5 से भाग करना है, क्या करना है, 165 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा ये, 3 से जाएगा, 15, 1 और 3, 3 से जाएगा, यानी कि 33 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो आज हमने मिसिंग नंबर की क्लास जो है वो कंप्लीट की, आई होप आप साथ साथ में जो है वो नोट्स बनाते चल रहे हैं, ये हमारे डिफरेंट एग्जाम के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत।